तुम फिर जा रहे हो? क्या करूं, ना जाऊं। चुनेद, आज हमारी एनिवर्सरी है। सबा डैड परेशान है, सालार का कुछ पता नहीं चल रहा और वो बार बार मुझे बुला रहे हैं। डैड कभी सालार का पता नहीं रखना चाहते, इसलिए कभी भी उन्हें पता नहीं होता कि सालार कहाँ है। सबा, वो वाकई परेशान है, उन्हें जरूरत है मेरी इस वक्त। बिल्कुल नहीं, इस वक्त तुम्हारे घर को तुम्हारी जरूरत है। आज हमारी एनिवर्सरी है और हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सालार जहाँ पे भी होगा बिल्कुल ठीक होगा। और डैड? क्या, यू डोंट वरी, मैं बात कर लूंगी। सबा, वो तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे लेकिन वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। जानती तो उनका कैसा रवैया है मेरे साथ। चुनेद, तुम उनकी नाराजगी को सीरियस लेना छोड़ दो। ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि उन्होंने तुम्हें सीरियस लेना छोड़ दिया है तो तुम भी छोड़ दो, सिंपल। वो फादर हैं तुम्हारे? तुम हस्बैंड हो मेरे। इसे बाय द वे, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम कुछ कुछ अलग सा बिहेव कर रही हो, यू नो, वियर्ड एंड सीरियस एट द सेम टाइम। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से उन्होंने तुम्हें ट्रीट किया है। तुम उनके मुलाजिम नहीं हो, दामाद हो, और वो भी इकलौते। ऐसी बात नहीं है सबा, वो परेशान थे। ये परेशानी उन्होंने खुद मोल ली है। अगर वो चाहते तो ये सब संभाल सकते थे। जब वो सलार की नेचर को जानते हैं तो फिर ये सब क्यों करते हैं? और फिर शामत तुम्हारी आ जाती है। भाई, वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, ही ट्रस्ट मी। जुनेद, वो तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यू आर ओवर रिएक्ट। तुम्हारे साथ कोई बैडली एक्ट करेगा तो मैं ओवर रिएक्ट करूंगी, चाहे वो कोई भी हो। सबा, स्वीटहार्ट, लिसन। देखो जुनेद, डैड अपने रिश्तों की रिस्पेक्ट करें या ना करें, सलीम अंकल के सामने खड़े होकर सवाल जवाब कैसे कर सकते हैं? वैसे कभी कभी मुझे लगता है कि सलार डैड के साथ बिल्कुल ठीक करता है। चलो। चलो।